चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं लिट विकार की। तो कल थोड़ी नेटवर्क समस्या के कारण नहीं हो पाया था, आज ऐसा ही है आज सही है ना? जी, आज सही है। वैसे लाइट गई हुई है, मैंने उससे कनेक्ट कर रखा है, वो जो डोंगर आता है उसका, जियो का, इसलिए सही हुआ। कल थोड़ा घर से आया था तो व्यवस्था नहीं हो पाई थी, वो मिल नहीं रहा था। तो हम यहाँ पर थे कल दीर्घ कारांत में, हमने पढ़ा था कल कि धुई धातु और ब्रू धातु केवल थली वेट और लिटि सेट होती है। थली वेट और लिटि सेट अर्थात कि धुई और ब्रू धातु को ही थल में हमको विकल्प से इटागम करना है, और इनको छोड़कर के सभी धातुओं को क्या करना है, वे सारी धातु थली सेट और लिटि सेट है। अनेट का कोई चक्कर ही नहीं है, अनेट का कोई चक्कर ही नहीं है, इसलिए सीधा हमको। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि सारे उकारांत धातु कैसी होती है, हमारी सारी उकारांत धातु कैसी होती है, असंयुगांत होती है। और जब सारी उकारांत धातु असंयुगांत होती है तो हमारा आगे वाला जो प्रत्यय आएगा वो हमारा प्रत्यय क्या कहते हैं, कित होगा कि नहीं होगा, बताइए होगा कित होगा, सीधी बात है। अच्छा ये असंयुगांत जो कहा गया है ये हलंत धातुओं में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हुआ असंयुगांत जो है ये हलंत धातुओं में ही मिलेगा, नहीं। तभी तो संयोग किस किस का होता है, व्यंजनों का तो संयोग होता है मोदे। इसका मतलब व्यंजनों का संयोग होगा, इसका मतलब अंतिम में व्यंजन ही होना चाहिए, अंतिम में होना चाहिए अंत बोला है तो अंतिम में संयोग होना चाहिए, और अंतिम में तो इसका मतलब हलंत शब्द होगा। अभी तो हम हलंत धातु हो गया भाई, अभी तो हम उकारांत धातु कर रहे, तो हलंत धातु उसके लिए नहीं करेंगे। दिख रहा, अच्छा दिख रही है आपको, जी अंग कार्य इत्यादि हम लोग जान चुके हैं, उकारांत कारांत के धातु के लिए एक समान है जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जैसे धातु हमारी धुई धातु है, तो सबसे पहले मेन बात तो मैंने आपको जो कहा है धुई धातु को द्वित्व करने पर क्या बनेगा ये हमें जानना है। द्वित्व करने पर क्या बनेगा बताइए? दुधु दुधु बनेगा, क्या बनेगा, दू और धू, दुधु। अब जैसे दुधु बना है, एक बार दुधु बनाना आपको बस इतना पता लग गया दुधु कैसे बनेगा, सारी प्रक्रिया वही है। रण आएगा, आपको वृद्धि करनी है रण के परण पर, दुधौ और दुधाव और दुधाव, दुधौ दुधाव दुधाव। और जब हम नल प्रत्यय नहीं लगाएंगे इससे थल प्रत्यय लगाएंगे, और थल प्रत्यय लगने पर ये धातु कैसी है, हमारी वेट है। इसका मतलब क्या होगा महोदय, एक बार इदागम होगा एक बार इदागम नहीं, जब इदागम होगा तो हम था नहीं लगाएंगे इथा लगाएंगे इथा। तो अब ये इथा जो थल प्रत्यय पित प्रत्यय, कैसा प्रत्यय, पित, ये इसलिए पित है तो केवल गुण होगा। तो दुधु, दुधु को कह रहे हैं दुधो, दुधो प्लस था और इथा, दुधो प्लस था और इथा। ये प्रक्रिया होने के बाद में बस था में तो कुछ नहीं होगा, दुधो प्लस था जोड़ देंगे दुधो तो बन जाएगा, पर इथा में क्या होता है, इथा हमारा आजादी है, इसे जो हमने ओ बनाया है गुण करके उस ओ को क्या हो जाएगा, अब आदेश होकर दुधव हो जाएगा, दुधव। और दुधव प्लस इथा दुधव इथा, इसी प्रकार दुधाव और दुधव। दुधाव क्यों बनेगा हमारा, क्योंकि हमारा एक पक्ष मिणित रहता है और एक पक्ष मिणित नहीं रहता है। जब मिणित होता तो क्या होता है महोदय, जब अनित रहता है तो वृद्धि होती है, अचो अचो निति से वृद्धि वृद्धि होती है, और जब अनालुत्तमोसा वार से विकल्प से अनित होता है, मतलब अनित नहीं होता है, तब क्या होगा, सार धातु गुण। का अर्ध धातु के हो सूत्र के द्वारा गुण होगा, इसे दुधा। और बाकी प्रक्रिया में क्या करना है हमको, दुधु है हमारा उकारांत है, और इसके बाद में सारे के सारे प्रत्यय कैसे, हमारे आजादी अपित प्रत्यय, सारे प्रत्यय, कुछ प्रत्यय बलादि थे, बलादी होने के कारण उनको इट आगम होने पर अब वो भी आजादी हो गई, इसलिए अब जितने भी हैं ये सारे सारे आजादी हैं आपके, 15 के 15 ये आपके आजादी हो गए। इससे इन 15 में क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है, उवंग आदेश करना है,
जब दुधु में उवंग आदेश करते हैं तो दुधु में उवंग आदेश करने के पश्चात क्या बनता है हमारा, देखिए दुधु क्या बनता है, दुधु, तो दुधु बना हमारा जो दुधु प्लस अतु दुधु अतु इत्यादि रूप बन जाएंगे। सेम प्रक्रिया है, ज्यादा कुछ नहीं है विशेष, इसलिए एक बार रूप बनाना आ गया आपको तो ज्यादा नहीं करना है। अब ब्रू धातु आई, कौन सी धातु आई आपकी, ब्रू धातु, हरिओम, तो ब्रू धातु आई आपकी मोदे, ठीक है, ब्रू धातु है। अब ब्रू धातु भी आपकी कैसी बताइए, ब्रू धातु में ये थली बेट है, कैसी है, थली बेट है, थली बेट क्यों है ये बता सकते हैं क्या आप किशोर मोदे, ब्रू धातु थली बेट क्यों है, क्योंकि मेन बात ये है हम श्रुका किति भी लगाकर भी कार्य कर सकते हैं, पर लेकिन हम ब्रुवोवची सूत्र के द्वारा जब ब्रु धातु को हम वच आदेश कर देंगे, तो जब वच आ धातु, ये धातु ही हम चेंज कर देने तो महोदय श्रुका किति लग पाएगा क्या बताइए, नहीं लग पाएगा, इसलिए वच धातु कैसी है, ये वच धातु अनिट है और अत्वत है, अनिट है और अत्वत है, तो जो भी अत्वत अनिट धातु होती है सामान्य में वो थल में तो कैसे होती है, थल में वेट होती है, थल में वेट होती है, और लिट में तो सारी सेठी होती है, आठ को छोड़कर लिट में तो आठ को छोड़कर सारी सेठी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इसलिए ब्रु धातु के स्थान पर वच आदेश हो जाता है, और वच हमारा अत्वत अनिट होने के कारण इसलिए वो कैसा है, हमारा वेट है, इसके द्वारा वेट है, भारद्वाज नियम से वेट है, ठीक है, तो भारद्वाज नियम से वेट होने के कारण इसलिए हमने क्या कर दिया कि वच धातु वेट होने का, अब बस कुछ नहीं करना है हमको, हमको विकल्प से रूप लगाना है, विकल्प से। अब बात आई, एक काम आप ये भी कर सकते हैं, ये जो वच धातु के रूप हैं, इन वच धातु के रूप आप हलंत में भी पढ़ सकते हैं, जब हलंत में आप पढ़ेंगे वच धातु के रूप तब आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो अभी पढ़ाने तो अभी पढ़ा दूंगा, बताइए कैसे कैसे समझाऊंगा, बताइए अभी कवर कर लेते, अभी कवर कर लेते हैं, बाद में फिर आसानी रहेगी। तो सबसे पहले ये वच धातु है संप्रसारणी धातु है, संप्रसारणी धातु है वच, तो जो भी हमारी संप्रसारणी धातु होती है महोदय उसमें दो हमने फंडा समझा था, हमने क्या फंडा सकता हमारा कि जितने भी कित प्रत्यय होंगे, जितने भी कित प्रत्यय होंगे उनको अलग से उन कित प्रत्ययों के पर उनका अलग से संप्रसारण होता है, और कित को छोड़कर के जितने भी होंगे उनमें अलग संप्रसारण होता है, कैसे, जैसे पहले कित के लिए समझ लेते हैं, तो कित में तो संप्रसारण होगा, पहले ही संप्रसारण कर देंगे, क्या कर देंगे हम, पहले ही संप्रसारण कर देंगे तो वच को उच्च बना देंगे, तो उच्च उच्च तो लिटि अभ्यासस्य उभयेषां से हो जाएगा ना, मतलब कित हो या गित हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लिटि अभ्यासस्य उभयेषां से मतलब हो जाएगा, ऊपर वो केवल उसको करता है ना, देखिए नहीं वो तो दोनों में कर देता है ना, कित और गित दोनों में कर देता है ना, वो कित और गित सब जगह करता है वो लिटि अभ्यासस्य उभयेषां, पर वो केवल अभ्यास को करता है, केवल अभ्यास को, तो हर जगह वो सभी जगह अभ्यास को तो कर देगा, पर कित के मतलब कित प्रत्ययों में जो अभ्यास नहीं है अनभ्यास को भी संप्रसारण कहाँ हो जाता है, केवल कित में होता है, ठीक है, अर्थात लिख के समझा जाए हाँ। तो वच धातु है जैसे हमारी, ये वच धातु है, ये नीचे भी वच है, पर हम इसको हम यहाँ पर कित में लगा रहे हैं, यहाँ पर नीचे कित में और नीचे लगा रहे हैं अकित में,
अब बात उठी कि हम संप्रसारण लिट्य अभ्यास हम दोनों को द्वित्व, पहले दोनों को द्वित्व कर देते हैं, ऐसा करते हैं दोनों को द्वित्व कर देते हैं, तो वच वच हो गया, वच प्लस वच, ये हो गया महोदय आपका वच अवच। इन दोनों में अंतर क्या है बता सकते हैं क्या महोदय जी कोई? इन दोनों में अंतर क्या है हमारा कि ये जो वच है हमारा ये पित प्रत, मतलब मान लीजिए अकित वाला है, अकित अर्थात कि अकित में संप्रसारण, अकित में संप्रसारण होता है क्या? ये अभ्यास है, ये अभ्यास है और ये भी अभ्यास है वच। तो यहां पर अभ्यास को संप्रसारण करने के लिए सूत्र क्या आता है हमारा? लिट्य अभ्यास उभयेषां, उसने अभ्यास को संप्रसारण कर दिया, तो अभ्यास को संप्रसारण करने के बाद हमारा क्या बना? हमारा उच्च बना, क्या बना हमारा? उच्च। और हलादि शेषा से चा का लुप करके ऊ बना, बस ऊ ऊ प्लस वच। अब यहां पर देखिए ये कित, ये अकित है इसलिए यहां पर इसको संप्रसारण नहीं होगा, पर ये कित है तो इसलिए इसको भी संप्रसारण हो जाएगा। तो जब इसको भी संप्रसारण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा? अच्छा इसको भी उच्च बन जाएगा, पर इसमें, इसमें लोप नहीं होगा, इसमें चा का लोप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चा का लोप संप्रसारण अभ्यास में हुआ था केवल, कहा हुआ था? केवल अभ्यास में। इस सूत्र के द्वारा हुआ था चा का लोप, हलादी शेषा है। हलादि शेष के द्वारा, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा? ऊ उच्च बन गया। तो यहाँ ऊ वच बना और ऊ उच्च बना, तो कहने में तो कोई दिक्कत नहीं है। लिट्य अभ्यास उभयेषां जो सूत्र है हमारा केवल अभ्यास में ही कार्य करता है, और वचिस्वपि जातीनां कृति वो केवल कित में करता है, कित में करने के कारण उसने यहां कर दिया और यहां नहीं कर पाया, इसलिए हमारा अंग क्या बनेगा? अकित प्रत्ययों के लिए क्या बनेगा अंग महोदय हमारा? उवच। उवच। और कित प्रत्ययों में क्या बनेगा? तो ऊ प्लस उच्च है, और क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो ऊंच बन जाएगा। इतना समझ में आया आपको? उवच और ऊंच। अब उवच और ऊंच बनने के पश्चात कुछ नहीं है विशेष, जो विशेष है इतना एक बात का ध्यान रखिएगा कि लिट लकार के प्रत्ययों को जोड़ना आसान है, लिट लकार के प्रत्ययों को जोड़ने की विधि बहुत आसान है, पर धातु के कुछ कार्य होते हैं अंग कार्य, वो कार्य कठिन होते हैं। धातु को इडागम होगा वो समझना है कि इडागम होगा कि नहीं होगा, ये सब समझना विशेष है, प्रत्यय को जोड़ना आसान है। आसान क्यों कह रहा हूं मैं? कि इस उवच के बाद में तीन प्रत्यय मिलेंगे, कितने प्रत्यय मिलेंगे महोदय? तीन प्रत्यय, नल थल और फिर नल, दोबारा नल और विकल्प से नल मिलेगा। एक बार तो पित होगा, एक बार मतलब एक बार नित होगा, एक बार नित नहीं होगा। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि उवाच में नित होने के कारण क्या कार्य हो सकता है, बताइए। उवच में जो वच धातु है इसका जो हमने द्वित्व करने पर अब संप्रसारण करने पर उवच बना है, इसमें क्या कार्य हो सकता है? नल के अत उपधाया सूत्र के द्वारा, तो वच धातु जो है इसकी उपधा को हम दीर्घ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? दीर्घ। अत उपधाया लित प्रत्यय के परन पर उपधा के आ को दीर्घ होता है, तो दीर्घ होगा कि नहीं होगा महोदय बताइए? किशोर महोदय दीर्घ हो गया, और नल में आ बचा तो आ को मिला के क्या हो गया? उवाच प्लस अ उवाच, क्या बन गया आपका? उवाच। इसलिए कहते हैं ना जितना कि श्री भगवान उवाच इत्यादि सारे इससे ऐसे ही बनते हैं। धातु वच को द्वित्व किया, वच वच क्या द्वित्व करने पर क्या हो गया? वच वच हो गया, अभ्यास को संप्रसारण की, अभ्यास को संप्रसारण किया उवच हो गया, और उवच मिलने के बाद में नल को देख करके क्या हो गया? वृद्धि कर दी, तो उवाच प्लस अ उवाच। अब यहां पर देखिए यहां पर तो वृद्धि होगी क्या आपकी बताइए? उवच प्लस था में, ये था भी आपका दो प्रकार का मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए? क्योंकि वच धातु वेट है थल प्रत्यय में, तो दो प्रकार का था मिलेगा, एक बार था मिलेगा, एक बार इथा मिलेगा। उवच प्लस इथा। अब जहां तक हमने पढ़ा है आपको, मैंने शायद याद हो आपको मैं बताया भी है
कि जब व्यंजन और स्वर मिलते हैं तब तो कुछ नहीं होता, केवल जोड़ना होता है, तो क्या बनेगा? उवाचित उवचित था, पर जब उवच प्लस था मिला तो कुछ समझी सूत्र याद है आपको? जैसे माता जी ने चौकू। बताया भी है चौकू, जैसे मतलब मत बताया भी है कि चवर्ग को कवर्ग होता है झल के पर होने पर, तो ये हमारा झल है था, इसे चवर्ग को कवर्ग हो गया तो वो क्या बन गया हमारा? वक्त उवक। वक्त तो उवक था। अगर आपको पीछे के सूत्र तैयार है सारे तो आगे बढ़ने में आसानी है, उवक था हो गया। और जब हम एक बार जो उत्तम पुरुष में जुड़ना लाता है उसको यदि हम पित मानेंगे मतलब अणित मानेंगे तो एक बार क्या होगा, वृद्धि होगा, क्योंकि उवाच बनेगा। और जब सॉरी उवाच बनेगा, और जब एक बार हम उसको नित नहीं मानेंगे तो क्या बनेगा, उवच ही बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा आपका? उवच ही बनेगा। ये बात समझ में आ गया आप सभी को? तो हमने ये पित प्रत्यय में देख लिया। अब देखिए अपित में क्या बनेगा महोदय हमारा? ऊच। ऊच हलंत है, अच्छा हलंत है कि नहीं है? और बाद में जितने प्रत्यय आएंगे वो कैसे आएंगे आपके पता ही, तो आजादी होंगे कि नहीं होंगे? आजादी, आजादी आजादी हो जाएंगे सारे। ठीक है, सेट तो बस कुछ नहीं लेकिन करना, केवल सेट जोड़ना है। ऊच प्लस लेकिन अतु, ऊच अतु, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, केवल जोड़ना है मात्र। ऊच प्लस अतु, ऊच अतु, ऊच प्लस ऊचु, ऊच प्लस अतु, ऊच अतु, ऊच प्लस आ ऊंचा, ऊच प्लस इवा ऊंचीवा, ऊच प्लस इमा ऊंचीमा। बस जो विशेष जो हुआ आपका नल प्रत्यय में, आपको बताया भी है आपको कि नल प्रत्यय में आपको यदि अधुपद है तो अत उपधाया की प्राप्ति होगी। अधुपद है तो किसकी प्राप्ति होगी? अत उपधाया की। आगे चलते हैं, भू धातु है। अब भू धातु में, भू धातु के लिए विशेष क्या है? यहाँ पर इडागम भूवो वुग लुंग लिटो हो एक सूत्र है विशेष। वैसे इडागम की चर्चा करी जाए भू धातु के लिए, तो भू धातु के लिए इडागम क्या होगा पहले ये बता सकते हैं? थली सेठ लिटी सेठ, है ना, मतलब उदंत है तो इसलिए सेठ है। उकारांत है इसलिए क्या है? ये सेठ है। दीर्घ उकारांत सारी धातु सेठ होती है, और जो धातु सेठ होती है सामान्य में वो लिट लकार के पद पर, वो थली सेठ लिटी सेठ दोनों सेठ ही रहती है। इसलिए इतना पता लग गया कि भू धातु थली सेठ और लिटी सेठ। बात आई ठीक है, तो अब तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं बस काम करो, जितना हमको कार्य आता है उतना काम करते हैं, उसके बाद क्या कार्य विशेष होगा हम वो समझ। सबसे पहले हमको लिट लकार में हमको अपना अंग बनाना होता है। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि द्वित्व करने, द्वित्व तो होगा कि नहीं होगा बताइए? लिट लकार जी है तो द्वित्व तो होना ही है। द्वित्व होने के बाद आपका अंग क्या बनेगा वो विशेष मायने रखता है। तो कह रहे ठीक है, तो भू धातु को द्वित्व करने चले हम, तो भू धातु को द्वित्व करने पर क्या बनेगा हमारा? भू भू बनेगा कि नहीं बनेगा? होना भू भू, चाहिए उभू। हाँ जी हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि पहले ही वो आगम करेंगे, लिट बोल दिया, लिट बोला इसलिए पहले ही आगम करेंगे। तो कह रहे हैं बुक आगम में क्या बचेगा? एक आगम होता है, कहता है कि भू धातु को बुक का आगम होता है। क्या कह रहे हैं? भू धातु को बुक का आगम होता है लुंग और लिट के परे होने पर। भू धातु को बुक का आगम होता है लुंग और लिट के परे होने पर, इस कारण से लिट पर में है। लिट मतलब लिट के जो प्रत्यय नल मान लीजिए, तो लिट लकार पर में है, इसलिए भू धातु को वुक का आगम हो गया। वुक का आगम होने को क्या हुआ? वुक में काकीत संज्ञा है, काकीत संज्ञा और ऊकीत संज्ञा के क्या बचेगा? केवल वा बचेगा मात्र, केवल मात्र वा। अब ये बताइए वा में वुक में काकीत संज्ञा होने से कहां बैठेगा भू धातु के? वो आद्यंतव टकितव से बाद में बैठेगा। हाँ आद्यंतव टकितव, क्योंकि कित है, कित होने के कारण बाद में बैठेगा, इसलिए क्या हो गया? भूव, भूव प्लस अभू बन गया। अब आप भू बनाकर द्वित्व करिए अथवा भू में ही द्वित्व करिए, दिक्कत क्योंकि कुछ नहीं आएगी। क्यों नहीं दिक्कत आएगी? क्या कि हला इसको द्वित्व करने पर हलादी आपको से हलादि शेषा लोप कर ही देंगे आप, हलादि शेषा से लोप
कर ही देंगे, तो ये कहेंगे अब हमारा भू भू बन गया, भू भू। इसके बनने के पश्चात अब जब भू भू बन गया तो हमने एक सूत्र पढ़ा है अभ्यास चर्चा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अभ्यास चर्चा। उससे पहले भी एक सूत्र पढ़ा था हमने ह्रस्व, सूत्र क्या है ह्रस्व, उसने क्या कर दिया ह्रस्व कर दिया। तो भू ये तो इतना तो बन के तैयार रह गया, इसमें नहीं करना है अब कार्य, अब कार्य इसमें होगा अभ्यास के लिए। ह्रस्व से ह्रस्व कर दिया तो भू बन गया, ह्रस्व हो गया। फिर अभ्यास चर्चा सूत्र लगाया तो भू हो गया। फिर लास्ट में सूत्र आया भवतेरह, क्या आया सूत्र भवतेरह। आप सभी देखिए ये सूत्र कहता क्या है, दरअसल भूवो भुगलुंग लिटो हो सूत्र और भवतेरह सूत्र विशेष सूत्र है हमारे, भू धातु के लिए विशेष सूत्र है लिट लकार में ही नहीं, हर जगह पर जहां पर भी हम क्या करते हैं इसको द्वित्व करते हैं। अगर हम द्वित्व कर रहे हैं तो भूवो भुगलुंग लिटो हो और इसकी भूवो भुगलुंग लिटो हो की प्राप्ति कहाँ होगी, लुंग और लिट में होगी। और भवतेरह की प्राप्ति जब द्वित्व कर देंगे तो अभ्यास को, अभ्यास में जो ऊ होगा उस ऊ को ह्रस्व आ बनाएगा, क्या बनाएगा उस ऊ को ह्रस्व आ। जैसे लिखा है देखिए कि लिट लकारे परे, अच्छा केवल लिट लकार में बनाएगा ठीक है, तो लिट लकार के परे होने पर बुध धातु के अभ्यास को क्या होता है आ बनाता है, क्या होता है आ। तो जब अभ्यास के भू धातु के अभ्यास के ऊ के स्थान पर अ हो जाएगा तो क्या बनेगा बताइए हमारा संचिता जी, अभूव बा बनेगा तो बा बभूव बाभू, और फिर मिलके बभू बन जाएगा ठीक है, हमारा छणल का अ जुड़ जाएगा जी। अगर धातु हलंत है तो ज्यादा कुछ विशेष होगा नहीं, धातु हलंत है तो विशेष ज्यादा कुछ होता, बस अंग बना के तैयार करना है। तो बबू बन गया हमारा, बबू कैसे बना बबू, अब मूल जो हमारा पद अंग बना है वो बबू बन के तैयार हो गया। आपको केवल बबू बनाना आ जाए इतना, उसका प्रत्यय जोड़ना आसान है, हणल में आ होता है इसलिए बबू प्लस आ बबूवा बन गया, और ये धातु थली सेठ है इसलिए इथा लगाएंगे, सॉरी थली सेठ है इसलिए इथा लगाया, तो बभू प्लस इथा बभूविता, और नल में क्या होगा नल में भी आ ही रहेगा, नल में भी क्या रहेगा आ ही रहेगा इसलिए बभू होगा। अब कोई बोलेगा कि यहाँ पर दो रूप नहीं बनेंगे, यहाँ पर दो रूप नहीं बनेंगे क्या महोदय, सेठ है ना धातु वेट नहीं, होती नहीं। तो दो बनते हैं यहाँ पर, नल में पूछ रहा हूँ उत्तम पुरुष के नल में, बताइए संदीप महोदय। यहाँ पे मतलब नल उत्तम पुरुष का जो नल है वहां पर दो रूप बनेंगे कि नहीं बनेंगे, नल होने से भी कुछ फर्क क्योंकि ना आता मतलब वृद्धि तो यहाँ हो वृद्धि अच्छा। होगी नहीं क्योंकि देखिए सबसे पहली बात ऋणित मान करके दो ही सूत्र प्राप्त होते हैं, एक तो अचोणिति और एक अत उपधाया, तो दोनों सूत्रों की यहाँ पर प्राप्ति नहीं है, तो नृत्य को मान आप नृत्य मानो या ना मानो तब भी कोई विशेष कार्य होगा ही नहीं। वैसे कहेंगे कि अगर दो पक्ष माने कि दोनों पक्ष सूत्र बनाए तो दो पक्ष मानेंगे, वे मानने पर भी तब भी दोनों दोनों जगह पर क्या बनेगा बबू ही बनेगा आपका ठीक है। और बबू प्लस अतुस मैंने बताया भी आपको अभी बताया था कि बबू हमारा हलंत है इसलिए हलंत बनने के बाद में अतुस इत्यादि प्रत्यय को जोड़ने में कठिनाई नहीं है, केवल जोड़ दीजिए बबू प्लस अतुस बबू बतुहु बबू प्लस उ बबू एक बार एकदम आसान है, समझ आया महोदय। थोड़ा थोड़ा हम करते चलेंगे ठीक है ना, धीरे धीरे करके क्योंकि एकदम से धीरे धीरे करके जब आप पढ़ेंगे अपने आप मजबूत होता जाएगा। और लोग नू धातु आई ये कुटादी है, नू धातु कैसी आपकी कुटादी है, तो कुटादी होने पर क्या फायदा होता है बताइए मदर। गांग कुटादि व्योनिंगित से, गांग कुटादि व्योनिंगित सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा हमारा इंगित मत होता है। तो और
और क्या फायदा है हमारा, ये नू धातु तो पहले से ही हमारा कित, ये जो कित प्रत्यय इनमें तो हमारी ये धातु किससे, कौन सा सूत्र है, असंयुगालिट कित से ही हमारा ये कित है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर गांगुटा दिव्योन इनकी सूत्र के फायदा कहाँ पड़ता है हमें, यहाँ पड़ेगा इथा में, और जब एक पक्ष में हमारा ऋणल ऋणित नहीं रहता है तब हमें फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा, सबसे पहले हम आराम समझेंगे, पहले आराम से पहले रूप बनाते हैं। नू धातु को द्वित्व करने पर क्या बनेगा बताइए, नुनु नुनु ही बनेगा, नुनु क्या बनेगा, नुनु ही बनेगा। अब बस अपित में तो आपको क्या करना है, अपित प्रत्ययों में तो उवंग आदेश करना है, नुनु अपित में नुनु हो जाएगा, नुनु प्लस अतुस नुनु वतु। तो जब आप उवंग आदेश कर देते हैं तो उवंग आदेश करने पर फिर वो हलंत मिल जाता है कि नहीं मिलता है, हलंत हो जाता है, तो फिर तो केवल जोड़ना होता है। सारी प्रक्रिया कहाँ पर है, तीन प्रत्ययों में सारी प्रक्रिया, नुनु नुनु प्लस आ आया मतलब लणल आया, उस आ को देख करके क्या हो गया, वृद्धि होगी, नव हो गया और आव आदेश होके नाव हो गया, नुनु नाव प्लस आ नाव बन गया, क्या बन गया आपका नाव। अब जब इथाप में आए तो इथा प्रत्यय कैसा था हमारा, पित था, तो पित होने के कारण नुनु को नुनो होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था नुनु को, नुनो होना चाहिए था। पर हमारा सूत्र है गांग कुटा दिव्योणिंगित, इस सूत्र ने क्या कहा था कि यदि ऋत से भिन्न है, यित और ऋणित से भिन्न है तो वो गितवत होगा, क्या होगा गितवत। तो ये जो इथा प्रत्यय है यित और ऋणित से भिन्न है कि नहीं बताइए, इसलिए क्या हो गया गितवत हो गया, और गितवत होने पर क्या हुआ कि फिर गुण इत्यादि तो नहीं हो पाएंगे किंग से, और जब गुण इत्यादि नहीं होते हैं तो क्या होता है, उकारांत धातु हो तो हम उवंग करते हैं, इसलिए क्या हो गया यहाँ भी नुनु बना, क्या बना हमारा नुनु, नुनु प्लस इथा नुनु विथा, समझ में आया महोदय। यहाँ पर अब नुनाव एक पक्ष में जब अणित मानेंगे तो ऊपर वाले की तरह सेम बनेगा, जब अणित मानेंगे, और जब नित नहीं मानेंगे तो क्या रहेगा नुनु था, तो नुनु को नुनु ही रहा, क्योंकि आगे जो आ है वो अब कैसा है, जो आगे आ है वो नितवत है, कैसा है महोदय आपका नितवत। अब नितवत होने पर क्या हो जाएगा उवंग आदेश हो जाएगा, गुण तो होगा नहीं, तो उवंग आदेश होने पर क्या बनेगा नुनव नुनु, और नुनु प्लस आ करके क्या बनेगा नुनुव। तो ये जो नुनव बना है इसको गलत सही कर लीजिएगा, तो क्या बनेगा नुनुव। समझ में आपको सभी को, हरिओम। ये हमारा स्पेशल हो गया, धू धातु में भी हमको ये करना है, धू धातु में भी कुछ नहीं है, कुटादि नू धातु के समान इसके रूप बनेंगे, अगर नू धातु के रूप बनाने अगर आपको आगे तो ये भी सिंपल है, और शेष उकारांत धातु भी सारे उसी प्रकार ही बनेंगे, बस क्या है कि इनको छोड़कर इन दो धातु को छोड़कर कुटादि धातुओं को छोड़कर के फिर क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हमने भू धा ये है ना पू धातु है, बस यहाँ पर पुपव बनेगा, क्या बनेगा पुपव, क्यों जब नित नहीं रहेगा तो गुण कर देंगे तो पो हो जाएगा पुपो प्लस अ पुपव, ओ प्लस अ और ओ को आवादेश करेंगे पुपव, और पुपव प्लस अ पुपव बन जाएगा, और जब वृद्धि कर देंगे वृद्धि कर देंगे पुपऊ और आ मिलके पुपऊ पुपाव बन जाएगा, यहाँ पर वृद्धि करनी है, यहाँ गुण करना है, यहाँ पर जब हमारा ऋणित रहेगा तब वृद्धि करेंगे, और जब ऋणित नहीं रहेगा तब क्या करेंगे महोदय गुण करेंगे, और इन सभी में क्या करेंगे हम क्या करेंगे महोदय उवंग करेंगे, ये समझ में आया आपको, ऋणित कर यहाँ ऋणित मान करके वृद्धि कर रहे हैं, और जब ऋणित नहीं है तो गुण कर रहे हैं, और जैसे अपित में गए लकित प्रत्ययों में गए तो क्या कर रहे हैं हम उवंग कर रहे हैं उकारांत धातु, इतना सिंपल है। और जो विशेष है आपको समझ में तो आ रहा है ना महोदय सभी को, हाँ महोदय आ रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आप करते रहेंगे ना अभ्यास। ये हमारी उकारांत धातुओं की लिट लकार की विधि बनानी पूर्ण हुई। अब देखिए
रिकारांत धातु आई है। मनीष जी जी, नुनु में करेक्शन किया, ऐसा दो धातु में भी करेक्शन करना है क्या? हाँ जी, दो धातु में भी करेक्शन करेंगे। दुधुवा आएगा ना? हाँ, दुधुवा आएगा। ठीक है क्योंकि ये भी कुटादी धातु है हमारी, तो जब कुटादी होगी तो गितवत हो जाएगा। एक बार जब नल नित नहीं होगा तो गितवत हो जाएगा, तो गितवत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उभंग आदेश हो जाएगा। तो वैसे दीर्घ उकारांत है, पर उभंग आदेश करने पर ह्रस्व उकारांत होकर उ हो जाएगा, दुधो, इसलिए दुधुवा बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। रिकारांत धातु आई हमारी, अब आज केवल रिकारांत धातुओं का हम इडागम समझेंगे, रिकारांत धातुओं केवल इडागम समझेंगे कि इडागम कैसे करना है। पहले कह रहे हैं क्री श्री भ्री, कितनी धातु है महोदय? क्री श्री भ्री, ये क्री श्री भ्री धातुओं को हम, ये त्रिश्री भी होगी हमारी तीन धातु होगी, इनके लिए ना करके हम इनको भी ब्री ब्रिंग को भी इनके साथ मिला सकते हैं, मिलाने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। बस बात नहीं है कि थोड़ा वेद और इसमें अलग अलग होता है, इसलिए हम इसको अलग अलग करके रखते हैं। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको अलग अलग लिखा है, क्योंकि वेद में जो ब्री और ब्रिंग धातु इनको वेद में क्या होगा, थल प्रत्यय में अनिट होंगी और लोक में क्या होंगी, सेठ होंगी। पूर्व कक्षा में आपको ये भी बताया था कि किस सूत्र के द्वारा आपकी होंगी, बताया था आपको, क्योंकि वो जो सूत्र है हमारा, क्या सूत्र हमारा, ववर्थेति निगमे बभूथान्त जगृम्ब ववर्थेति निगमे ततंथ जगृम्ब ववर्थेति निगमे, इस सूत्र के द्वारा हमें ये पता लगा था कि जब धातु अनिट ही है तो ये दोबारा वेद में अनिट क्यों बना रहे हैं। तो ये ज्ञापन सिद्ध हुआ था कि अनिट को दोबारा वेद में अनिट बना रहे हैं, इसका मतलब ये धातु वेद में अनिट रहेगी और थल में सेठ रहेगी। इस प्रकार लोक में थल प्रत्यय में सेठ रहेगी और वेद में अनिट रहेगी, ये विशेषता होगी। क्रिश्री भ्री, ये तीन धातु जो है हमारी, ये क्रादि नियम से क्या है, थली अनिट लिटी अनिट है, अर्थात ये क्रिश्री भ्री, ये तीन धातु आपकी सेठ हो ही नहीं सकती। क्री श्री भ्री, ये तीन धातु आपकी सेठ हो ही नहीं सकती है। भ्री और भ्रिंग धातु वेद में तो थली अनिट लिटी अनिट रहेगी, वेद में तो जैसी जैसे आपने क्री श्री भ्री को कराया ना, थली अनिट लिटी अनिट, वैसी भ्री भ्रिंग धातु वेद में भी वैसी रहेगी, थली अनिट लिटी अनिट। पर जब लोक में हम प्रवेश करेंगे तो लोक में थली सेठ हो जाएगी, केवल लोक में थली सेठ हो जाएगी। बभूथा ततंथ जगृम भवर्थेति निगमे, इस सूत्र के नियम ज्ञापन से। अब री धातु आई, थली सेठ कैसे हुई? थली सेठ इसलिए हुई महोदय, देखिए पहले क्रादि नियम में जैसे क्री श्री भ्री, क्री श्री भ्री और व्री, इन चार धातुओं को क्या कहा, ये चार धातु पहले आप अनिट बना लीजिए, क्रादि नियम ने कह दिया कि ये धातु थल प्रत्यय में अनिट है। कैसी है थल प्रत्यय में, थल में अनिट है और लिटी में भी अनिट है। अच्छा, मतलब वो वर्थ पड़ा तो वो फिर ज्ञापन हो गया, क्योंकि हाँ, तो पहले ही अनिट था तो इसलिए हो गया कि दोबारा क्यों कहा है। हाँ, तो यह है कि वेद में ही, यहाँ पर भी ये लिट, सॉरी लिट में भी क्या है, ये लिट में भी आपकी अनिट ही है, आपकी लिट में भी अनिट ही है। तो जब आपका क्रादि नियम का जो सूत्र है उसने कह दिया कि ये चारों धातु अनिट है, तो अनिट होने के कारण फिर ववर्थ ही बनता, थल प्रत्यय में अनिट होने के कारण ववर्थ ही बनेगा, क्योंकि ब्री धातु है, ब्री धातु को द्वित्व करा तो ब्री ब्री बना, ब्री ब्री, और री के स्थान पर आपको बताइए उरत सूत्र के द्वारा हम क्या करते हैं, अर करने पर और हलादि से व बन गया, व ब्री बन गया। जब बाबरी बन गया तो ये था प्रत्यय पित है आपका, कैसा है पित, तो पित है तो गुण होगा कि नहीं होगा, गुण होगा, तो बाबर हो गया, बाबर प्लस था। तो और हमने इटागम नहीं किया क्योंकि अनिट है, तो बबर थ्रू बट रहा, इसका मतलब ब्री धातु को हम क्रादि नियम से मानेंगे, अनिट मानने पर हमारा बबर्थ रूप ही बन रहा है। तब आप वेद में निपातन क्यों कर रहे हैं,
आप ऐसा निपातन क्यों कर रहे हैं कि वेद में ववर्थ बनता है, वेद में ववर्थ बनता है, आप ऐसा निपातन क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं इसलिए निपातन कर रहे हैं कि थल में तो सेठ होगी, ये थल में क्या होगी, थल में सेठ हो जाए, थल में सेठ होगी, सॉरी थल में कह रहा हूँ, लोक में थल में सेठ होगी, तभी तो वेद में वेद बनाना पड़ को अनिट बनाना पड़ रहा है ना। इसी कारण से ही कि दोबारा अनिट होते हुए भी दोबारा अनिट बना रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है, लोक में वेद में अनिट होगी और सामान्य लोक में कैसे होगी, सेठ। तो जब सेठ होगी तो बबरी प्लस इथा अगुण कर देंगे तो क्या बनेगा, मतलब हो जाएगा, तो बबर इथा रूप बनेगा आपका बबर इथा, ये आपका सिद्ध हो गया। इसीलिए विशेष कार्य, इसी कारण से ये इस सूत्र के द्वारा पढ़ा गया है, इसी निपातन से ये ज्यादा विशेष हो जाता है। अब री धातु आई आपकी, री धातु के लिए देखिए री धातु कैसे होनी चाहिए थी, आपको सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, री धातु होनी चाहिए थी हमारी, भरद्वाज ऋषि क्या मानते हैं, री धातु को अनिट मानते कि नहीं मानते थल प्रत्यय में, ऋतु भारद्वाज से उन्होंने कहा कि भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि ऋकारं धातु अनिट होती है, तो ये री धातु थल प्रत्यय में अनिट होनी चाहिए थल प्रत्यय में, और पाणिनि जी भी इसको अनिट मानते हैं, तो जब दोनों ऋषि अनिट मान रहे हैं तो धातु अनिट ही होगी कि नहीं होगी थल प्रत्यय में, बताइए, थल प्रत्यय में अनिट होगी, थल में अनिट और लिट में सेठ, क्योंकि दोनों ऋषि लिट में सेठ भी मान रहे हैं, तो कह रहे हैं फिर अनिट होगी, तो यहां पर आपने द्वि धातु को थली सेठ क्यों बना दिया, तो कह रहे हैं कि इसलिए बनाया है इदत्यर्थे वेति नाम, इस सूत्र में विशेष पाठ पढ़ा गया है इसका, कह रहे हैं कि वैसे री धातु थल प्रत्यय में कैसे होनी चाहिए आपकी, अनिट होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए थल प्रत्यय में, अनिट, पर इस सूत्र के द्वारा कह रहे हैं कि अनिट होने के बावजूद भी अब वो थल प्रत्यय में कैसे होगी आपकी, सेठ हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, मतलब सेठ, तो इस सूत्र के द्वारा थल प्रत्यय में री धातु सेठ होगी, इससे थली सेठ प्रति सेठ। जागृत धातु कह रहे हैं ये भी ऋकारांत है तो ये भी उसमें आनी चाहिए, तो कह रहे हैं ऋकारांत तो है ही हमारी, पर ये क्या है हमारा, अनेकाच, ये ऋकारांत तो है पर अनेकाच है, अनेकाच होने के कारण क्या है हमारा, ये अनेकाच होने से ये सेठ हो गई, और जब सेठ है तो क्या दिक्कत है, थली सेठ लिटी सेठ, तो इन दोनों में अंतर क्या है, ये एकाच है और ये अनेकाच है, तो एकाच धातु सामान्य कैसी रहती है, एकाच धातु सामान्य तौर पे थली अनेट लिटी सेठ रहती है, पर एकाच होते हुए भी यहां पर हमने थली सेठ बनाया है इदत्यर्थिव्यति नाम से, और ये अनेकाच है, और अनेकाच धातु कैसी होती है आपकी, थली सेठ और लिटी सेठ ही होती है, क्यों होती है थली सेठ लिटी सेठ, क्योंकि वो अनेकाच है, अनेकाच धातु यदि होती है तो वो सेठ ही होती है, अनेकाच धातु कैसी होती है आपकी, तो अनेकाच धातु आपकी कैसी होती है महोदय, सेठ ही होती है। सूरी धातु आई, तो सूरी धातु में क्या विशेष है, सूरी धातु में क्या विशेष मत है, स्वरति सूति सुयति धूय उदितो वासे वेट, हाँ स्वरति सूति सुयति धूय उदितो वासे सूत्र के द्वारा, ये धातु मूल में ही वेट है, कैसी आपकी मूल में वेट है, तो कहने मूल में वेट है तो यहाँ भी वेट होनी चाहिए थी, लिट में भी वेट होनी चाहिए थी, पर वो जो सारी चर्चा है श्रुका कृति भरत मत है क्या, जो साई चर्चा है श्रुका कृति, फिर वापस उसको अनिट बन जाएगा, अनिट बनती है फिर दोबारा उसको सेठ बन जाएगा लिट लकार में, तो सारी प्रक्रिया होकर के ये थली वेट और लिटी सेठ बन गई, कैसे बन गई हमारी थली वेट और लिटी सेठ, सूरी धातु, और इनको छोड़ करके जितनी भी धातु है, इन ये जो विशेष धातुएं हैं पांच प्रकार की, इनको छोड़ करके छठे नंबर पर जितनी भी, इनको पांच को छोड़कर जितनी भी धातु होंगी वो सारी कैसे होंगी आपकी थली अनिट लिटी सेठ, थली अनिट क्यों हो रही है, क्योंकि ऋतु भारद्वाज से भारद्वाज ऋषि के मत में भी वो अनिट हो रही है, इस कारण से थली अनिट और लिटी सेठ इसलिए हो रही है क्योंकि वो क्रादि नियम से ही सारी धातु कैसी आपकी सेठ है। इस प्रकार हमने ये समझा
कि रिकारंत ह्रस्व रिकारंत धातु को हमने कितने भागों में विभाजित करना है। तो सबसे पहले आपको ये आप पढ़ के आइएगा, ठीक है ना। सभी सभी धातु क्यों कैसे है ये सभी आपको बता दिया आपको मैंने, ठीक है ना। ये ये तीन आपकी क्रादि नियम से, ये स्टार्टिंग तीन क्रादि नियम से, ये वृंद वृंग धातु बवर्थ इस ज्ञापन से लोक में इनमें अलग होगा। रि धातु आपकी कैसे होगी, इदत्यर्तिव्यति नाम सूत्र से अलग हो गई। जागृत धातु अनेकाच होने के कारण अलग हो गई। और श्री धातु कैसे अलग हो गई, क्योंकि ये वेट है और वेट होने के कारण थल में तो वेट बन जाएगी पर लेकिन लिट में से देंगी। एक चीज और, सिर्फ इन इन दो को छोड़ करके सारी धातु थल में सेठ है कि नहीं है, थल में सेठ है क्योंकि एक क्रादी गण की एक क्रादी धातु में क्रिस्त्री भी एक क्रादी धातु, इन धातुओं को छोड़ करके लिट लकार में तो सारी सारी सेठ रहेगी। बस थल में आपको समझना है कब थल में सेठ बन रही है, कब अनेठ बन रही है, कब वेट बन रही है, सभी चर्चा इसका इसी बात की है, ठीक है। समझ में आया सभी को मोदी?